अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसलिए खुश हूँ कि जिन एसोसिएट्स को मैं गाइड करता आ रहा हूँ, उन्होंने आज बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। मेरे साथ एडवोकेट मुनीबुल्ला हैं और साथ एडवोकेट उस्मान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है कि ये मेरे एसोसिएट्स हैं। उसकी वजह यह है कि एक बेल थी 392 की, जिसके अंदर पुलिस ने नाजायज तौर पर हमारे एक क्लाइंट को मुलव्वस किया। 6 महीने लग गए उस बंदे को, हाई कोर्ट तक उसकी बेल नहीं हुई। मामला यह था कि हाई कोर्ट से विथड्रॉ करनी पड़ी कि कहीं डिसमिस ना हो जाए। उसका भाई मेरे पास आया, रो पड़ा, कहते हैं कि सर हमें ना पुलिस खा गई है। मैंने चंद एविडेंसेस देखे और मुझे पता लगा कि वो उस वारदात के अंदर मुलव्वस नहीं है। मैंने ड्यूटी लगाई उस्मान की, ड्यूटी लगाई मुनीब की, मैंने कंप्लेनेंट से राबता किया। मैंने उसको कहा कि भाईजान ये मामला है, मैं आपके पास आता हूं और आपको दिखाता हूं, ये साबित करने की कोशिश करूंगा कि इस वारदात के अंदर ये बंदा मुलव्वस नहीं है। और अगर आज आप इसे माफ नहीं करेंगे तो अगर कभी आपके ऊपर मसला होगा तो आपको भी कोई माफ नहीं करेगा। उस बंदे ने खुदा तरसी दिखाई, हमने एक स्टाम्प तैयार किया और वो स्टाम्प उस्मान ने तैयार किया, मुनीब ने तैयार किया, मिलकर उसके घर गए पटिशनर के भाई को लेकर, उसको गाइड किया। वो बेल जो हाई कोर्ट से नहीं हुई, 6 महीने से बंदा जुडिशियल था, वो बेल मेरे इन दो जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह आज मजिस्ट्रेट से करवाई है। और ठीक उस बंदे के आने से लेकर अब तक सिर्फ 5 दिन गुजरे हैं। 5 दिन के अंदर कंप्लेनेंट से राबता करके, उससे दरख्वास्त करके, अपने मामलात को दुरुस्त हिम्मत में लाकर, बिना रिश्वत दिए, बिना सिफारिश किए जमानत ली। मैं फख्र करता हूं कि उस्मान और मुनीब मेरे एसोसिएट हैं। मुनीब लव यू यार, थैंक यू, चुमी दो, शाबाश, तुम भी चुमी दो, शाबाश। नहीं जी, हम जिंदा रहे ना रहे, इतने एसोसिएट्स इन कोर्ट्स के मैदानों में हम छोड़ जाएंगे जो बैंड बजा के रख देंगे उन लोगों की जो झूठे पर्चे काटते हैं। अल्लाह हाफिज़।